ऐसा कौन सा पंपड़ गया दिल्ली में कि एक दम से जहां मैंने व्यक्ति की 4 लाख 5 लाख मिले कहा मिले 15 लाख ये सारे के सारे अगर ये इस चीज को अंदर जाए तो सारा ये जो गुजरात का छोड़ जाता है कि गुजरात का दल चलिए गुजरात में तो गुजरात में वहां से जाएंगे तो आप सभी ने देखा इसमें एडवांस कैश एडजस्टमेंट लाभार्थी पॉलिसी बना रहे हैं, यानी जिसको सर्वाधिक लाभ मिला है वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो पॉलिसी बना रहे हैं। और 10,000 करोड़ रुपए तक के फ्रॉड की बात कही जा रही है। सिर्फ अब एकदम साफ हो गया है कि ये शराब दिल्ली की आम आदमी पार्टी के घोटाले की शराब अब सिर्फ नशीली नहीं जहरीली भी हो गई है, और वह जहर आपको बहुत साफ सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लोगों के भी नाम है जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं। अब मैं इस विषय पर अनुरोध करूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष आदेश जी। आज की जो स्टिंग देखने के बाद जिस तरह से स्टिंग में जो बातें कही गई है और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु जी ने जो बातें कही हैं, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि केजरीवाल सरकार की एक ही है नीति, हर रस्म निभाएंगे भ्रष्टाचार की रीति। हर वो काम जो काम वो करते हैं उस हर काम में भ्रष्टाचार करप्शन अपने लोगों का फायदा। कैसे उन्होंने दिल्ली के राजस्व को हानि पहुंचाकर दिल्ली के राजस्व की लूट और चोरी करके उन्होंने जो राजस्व 165% आता था, दिल्ली में शराब की बिक्री 15,000 करोड़ रुपए के लगभग होती है, 165% राजस्व दिल्ली के खजाने में आता था,